स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मेलिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर ml में रहा तो उसको 1000 से डिवाइड करना है। तो आपको ये कन्फ्यूशन रहेगा कि इक्विवेलेंट मास जो है ये क्या है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज एटॉमिक मास बाय बैलेंस। अगर आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट एल्युमिनियम को निकालना है तो इसका एटॉमिक मास रहेगा 27, वैलेंसी होता है 3, तो आएगा आपका 9। और इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ द एसिड बाय बेसिसिटी। अगर हम इसको H2SO4 लेते हैं तो मोलर मास ऑफ H2SO4 आपका 2 + 32 + 4 × 16 बाय बेसिसिटी, मीन्स इसमें से कितना हाइड्रोजन आयनाइज हो सकता है, डिवाइडेड बाय 2। दिस इज 98/2 = 14। देन इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, मोलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाई एसिडिटी। अगर हम इसको ये ले लें कि AlOH3, तो 3 OH है, तो एसिडिटी वैल्यू इज 3। एल्यूमिनियम 27 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक। इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूलास होगा आपका फॉर मोलारिटी। वी हैव m1v1 = m2v2। फॉर नॉर्मेलिटी n1v1 = n2v2। And this formula can be applicable in case of dilution or condensation. So अगर हम dilute करें तो क्या होगा, डाइल्यूशन रहेगा। तो इसके मतलब क्या होगा कि इफ यू ऐड, आपको पकड़ लो कि ये प्रॉब्लम बनता है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज देयर इन ए बीकर, इफ यू ऐड 50 ml मोर वाटर देन व्हाट विल हैपन। सो अनदर फॉर्मूला है आपका, दो और फॉर्मूला मिलता है नॉर्मेलिटी से, n1v1 + n2v2 = n3v1 + v2, m1v1 + m2v2, m3v1 + v2। तो ये जो फॉर्मूलास है इसको आपको यूज करना है कि मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन में, तो पकड़ लो एक बीकर में आपका 10 ml है और दूसरा बीकर में आपका 20 ml है, तो आपको मिक्स कर दिए दोनों को। फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन यू हैव टू यूज आइदर m1v1 + m2v2 = m3v1 + v2, n1v1 + n2v2 = n3v1 + v2। सो ये सारा फॉर्मूला सबका यूज होगा। नेक्स्ट हम कुछ एसिड बेस को लेते हैं, इसका एसिडिटी बेसिडिटी चेक करते हैं। एसिड के लिए अगर आपका HCl हो गया तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव डिवाइड होगा, बेसिसिटी वैल्यू इज 1, कितना हाइड्रोजन नॉट। अगर आपका H2SO4 हो गया तो आपका H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, कितना H पॉजिटिव है 2, तो 2। अगर आपका CH3COOH हो गया तो दैट वन CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, इसमें 1 होगा। ये ऐसा मत कीजिए कि 4 + 3 + 1 = 4 हो रहा है, ऐसा नहीं है। कितना हाइड्रोजन उससे आयनाइज हो सकता है उसके ऊपर बेस वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर कोई बेस पकड़ लो
एनए ओएच है, तो हाइड्रोजन एसिडिटी वैल्यू 1 हो गया आपका, सी ए ओएच 2 होने से 2 ओएच जा सकता है 2, अगर आपका ए एल ओएच 3 होने से 1, 2, 3 जा सकता है तो ये 3 है। इसके बाद एक नॉर्मेलिटी के ऊपर बेस करके एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सलिक एसिड इन 1250 ml सॉल्यूशन। तो इसमें से आपको इसका नॉर्मेलिटी निकलना है। सो ये कैसे करेंगे, आपको ये जो आपका 31.5 दिया है, पहले इसको सोचना है कि ये क्या दिया है। दिस इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट हो गया आपका ऑक्सलिक एसिड। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। सॉल्यूशन में आपका नॉर्मेलिटी n रहेगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, अगर वॉल्यूम ml में होता है उसको 1000 से डिवाइड करना। सो आपका क्या क्या है, गिवन मास कितना है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है 31.5 ग्राम, इक्विवेलेंट मास क्या होता है इसका, अगर इक्विवेलेंट मास हम निकलना चाहे, पहले तो इसका मास निकाल दो आप, मास निकलने से इसका आएगा 126, मतलब दो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, दो कार्बन का 24 ग्राम, 4 ऑक्सीजन का 64 ग्राम, दो वाटर का 36 ग्राम, जोड़ने से 126 आता है। और हाइड्रेटेड बोला है इसलिए इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इसमें आ रहा है 126। इसका रिप्लेसिबल हाइड्रोजन एटम है 2 डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला बनता है आपका ऐसा है, C double O H 2 वाटर, तो ये 2 हाइड्रोजन उसका आयनाइज होके इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका C double O negative। सो इसको भी ध्यान रखिए, तो 2 इसमें से आया है कि इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेसिबल है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml है 1250, इसको 1000 से काटना है, तो ये बन गया आपका 63। तो ये कैलकुलेट कर दीजिएगा आपका क्या आ रहा है, 31.5 1250, ये 63 नीचे आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा आपका 1000, तो ये 2 times। इससे इसको काटेंगे तो आपका 500 आ जाएगा, इसको काट दें, ठीक है। तो ऐसे काटने के बाद आपका जो नॉर्मेलिटी निकलेगा ये 0.49 आ रहा है। इसके बाद जो है डेल्टोन्स एटॉमिक थ्योरी, आपको ये 9 से लिखना है, होमवर्क जैसा दे रहा है। ये क्या बोलता है कि एटम कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, और डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, और एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय फिजिकल प्रोसेस, एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल जिनको बोलते हैं एटम। तो इसमें ये सारा आपको डेफिनेशन आ जाएगा। इसके बाद ये जो हमने दे रखा है ये सब का मीनिंग अच्छी तरह आपको याद रखना है। मास परसेंट अगर एक्स रहा, इसका मतलब है एक्स ग्राम ऑफ सोल्यूट 100 माइनस एक्स ग्राम ऑफ द सोल्वेंट। अगर वॉल्यूम परसेंट एक्स रहा, इसका मतलब है एक्स एम एल ऑफ सोल्यूट एंड 100 माइनस एक्स एम एल ऑफ द सोल्वेंट।
अगर वॉल्यूम बा मास बाय वॉल्यूम परसेंट अगर 10 रहा तो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट एंड 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसको थोड़ा याद रखिए। तो अभी स्टूडेंट हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे भी प्रॉब्लम ले सकते हैं कि एक किसी भी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए बीकर कंटेन्स 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, बीकर कंटेन्स 200 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इफ 50 ml ऑफ वाटर इज एडेड देन व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि ऐसा है, इस बीकर में आपको 200 ml एंड 5 मोलर सॉल्यूशन दिया है, इसको आप 50 ml वाटर ऐड कर दिए, इसमें से आपका आ जाएगा 200 ml इज योर V1, 5 ml इज M1। अगर 50 ml वाटर ऐड कर दिया है तो टोटल आपका बन जाएगा 250 ml, दिस इज योर V2 एंड M2 शुड बी कैलकुलेटेड। फॉर्मूला क्या दिखाया हमने, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो आप सोच लीजिए कि इसका M1 कितना है, 5 है, और V1 है 200, M2 आपको निकलना है और V2 दिया है आपको 250। सो M2 इक्वल टू 5 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 250 तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही आपको दे सकता है स्टूडेंट मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, तो ये भी देखेंगे नेक्स्ट डे में, वही करेंगे कि मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कैसे प्रॉब्लम है।